हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आज मैं आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बैंकिंग। और बैंकिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बैंक होता है क्या है और बैंक का क्या काम है, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखो बैंक में हम लोग समझाने पहले यहाँ बता रहे हैं आपको, देखो क्या लिखा है। पहले तो हम बैंक हम बताते हैं। ठीक है, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, हु टेक मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक या सरप्लस, एक जनरल पब्लिक से या सरप्लस से पैसा लेता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ए डिपॉजिट के तौर पर। एंड दीज मनी लेंड्स टू डेफिसिट सेक्टर, और डेफिसिट सेक्टर को वो देता है, ठीक है, कर्ज के तौर पर देता है। एंड विथड्रॉ मनी थ्रू चेक, और चेक के थ्रू पैसा भी निकाल के देता है। जैसे हम इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए सपोज मानो कि जैसे हम यहीं पर बताते हैं कि एक एक सरप्लस सेक्टर है, एक सरप्लस पर्सन है, सरप्लस सेक्टर है। सरप्लस सेक्टर को हम आप बोल सकते हो एक जनरल पब्लिक भी बोल सकते हो, जनरल पब्लिक। ठीक है, अब जनरल पब्लिक भी इसको हम बोल सकते हो। ठीक, एक सरप्लस सेक्टर पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, इंस्टीट्यूशन। ठीक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि एक सरप्लस सेक्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, एक आम आदमी जिसके पास पैसा बहुत सारा है, और वो पर्सन क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कर्ज के तौर पे पैसा दे रहा है। बैंकिंग के कंडीशन में हम चल रहे हैं, ठीक है, कर्ज के तौर पे पैसा दे रहा है। तो एक सरप्लस सेक्टर क्या करता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा ये डिपॉजिट करवाता है। मतलब ये डिपॉजिट करना बैंक में, वो बैंक के लिए कर्ज होता है, ठीक है, तो डिपॉजिट करवाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा का काम करता है, ठीक है। और यही पैसा फिर एक वैसा व्यक्ति को देता है जो जो डेफिसिट सेक्टर होते हैं, जो डेफिसिट सेक्टर होते हैं, डेफिसिट सेक्टर होते हैं, डेफिसिट सेक्टर होते हैं। और डेफिसिट सेक्टर जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, लोन के तौर पे, या हम लोग जो जमा किया वही पैसा हम ले रहे हैं, ठीक है, डेफिसिट सेक्टर होता है। ठीक, यहाँ तक समझ आया? तो इसको एक लोन के तौर पे दे देता है। देखो, एक सरप्लस सेक्टर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिपॉजिट के तौर पे दिया पैसा, कर्ज दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और वही पैसा अदर पर्सन को लोन के अगेंस्ट देता है, ठीक है। अब देखो, जब इस व्यक्ति को पैसा की जरूरत पड़ता है, निकालना उकालना होता है, तो ये बैंक क्या करता है, इस पर्सन को पैसा देता है, लेकिन वो चेक में देता है, विड्रॉल करवाता है, चेक में विड्रॉल करता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, ये तो बता दीजिए आप। अब ये बताइए आप सर कि अगर डिपॉजिट अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं उसका थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, चलो ठीक, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस पर्सन को लोन दे रहा है तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं लेंडिंग रेट, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेंडिंग रेट बोलते हैं जो कर्ज लेते हैं। और ये जो देता है तो उसको बोलते हैं ब्रोइंग रेट, ब्रोइंग रेट बोलते हैं, ठीक है, ब्रोइंग रेट बोलते हैं। अब सपोज मान कर चलो ना कि अब ये सरप्लस सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा डिपॉजिट किया और उसके बदला ये इंटरेस्ट ले रहा है 10%,
10% ले रहा है। अब जो अब इतना नहीं मालूम कौन सा बैंक कितना परसेंट लेगा, ठीक है 10% लेगा, और यह वही पैसा ये इस बैंक को दे रहा है लोन के तौर पे, तो उससे इस सेक्टर से ले रहा है डेफिसिट सेक्टर से वो ले रहा है 15%। अब बताओ यहाँ 10% है यहाँ 15%, मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, क्योंकि जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो ये 5% जो प्रॉफिट हुआ इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम लोग स्प्रीड बोलते हैं, स्प्रीड, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे, ठीक। तो समझिएगा यहाँ से, एक कमर्शियल बैंक, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु टेक मनी। बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हु टेक मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, एक जनरल पब्लिक से लेता है। मतलब देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब यही एक बैंक का काम कर रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जनरल पब्लिक से पैसा लिया, लिखा है ना, जनरल पब्लिक या सरप्लस एज ए डिपॉजिट, डिपॉजिट तौर पे, एंड दिस मनी लेंड टू डेफिसिट सेक्टर, और यही पैसा डेफिसिट सेक्टर को दे रहा है ना, एंड विड्रॉन मनी थ्रू चेक, और पैसा जरूरत पड़ता है तो चेक में ले भी लेता है, तो वही होता है बैंक। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक है, ठीक है। तो वही बैंक, तो बैंक को हम लोग कमर्शियल बैंक की बात कर रहे थे, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक तो लिखा हुआ है यहाँ पर, कमर्शियल बैंक इज प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा लाया गया है। लाइक अदर बिजनेस या कमर्शियल बैंक ऑल्सो एम टू अर्न प्रॉफिट, इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का, एंड फॉर दिस दे आफ्टर ए वैरायटी ऑफ सर्विस टू देयर कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने का, बहुत सारे वैरायटी सर्विस, जितना भी वैरायटी है सर्विस का वो सब कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, वही तो कमर्शियल बैंक है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट कमर्शियल बैंक क्या होता है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि कमर्शियल बैंक का काम क्या है, कमर्शियल बैंक होता क्या है, वो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नाम है कमर्शियल बैंक का और वो भी जान ही लो, ठीक है। नेम ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, देखिए तो नेम ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट SBI एंड एसोसिएटेड, तो SBI का 7 एसोसिएटेड होता है, ठीक है, तो वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 7 एसोसिएटेड है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीकानेर, मैसूर, त्रिभुवन, हैदराबाद, पटियाला, इंदौर, ठीक है, ये सब 7 SBI बैंक का एसोसिएट है, मतलब एक हेल्पर है जो काम करता है। उसी तरह से नेशनलाइज बैंक है, बहुत सारे बैंक हम लिखे हैं नेशनलाइज बैंक में, कुछ रटना नहीं है इसको, थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए कि नेशनलाइज बैंक क्या होता है, जो नेशनलाइज किया गया है बैंक को, जैसे ये सब बैंक लिखा हुआ है, जैसे इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केंद्र सेंट्रल कॉरपोरेशन, ITBI, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो ये सब बैंक है जो कि नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, ये सब आपका एक नेशनलाइज बैंक है, एक नेशनलाइज बैंक। उसके बाद फॉरेन बैंक है, तो फॉरेन बैंक भी देख सकते हो आप, तो फॉरेन बैंक जैसे विदेशी बैंक होता है, जो वैसा बैंक जो विदेश का बैंक है लेकिन इंडिया में रनिंग कर रहा है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, JP Morgan, सिटी बैंक, DSB बैंक, कैलियन बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। अदर बैंक की बात अगर हम करें तो अदर बैंक में देख लीजिए, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ राजस्थान है, HDFC है, ये सब अदर बैंक है, ठीक है। तो ये सब कुछ था जो कि ये हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कौन सा बैंक है, ठीक है, बस ये हम समझाने के लिए बता दिए कि बैंक कमर्शियल बैंक में कौन कौन सा बैंक आता है, ठीक है, तो ये चीज़ बताया था, ठीक। अब देखो एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये भी बता ही देते हैं, देखो कमर्शियल बैंक बैक बोन ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, बैक बोन है, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखा, इट कैन बी वेरी वेल अज्यूम डैट द हाउस होल्ड सेक्टर ए पार्ट ऑफ इट्स इनकम विच इज मेड अवेलेबल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर फर्दर इन्वेस्ट। मतलब कि कमर्शियल बैंक आने से ये फायदा हो रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, एज ए इनकम के तौर पर बैंक को दे देता है, और वही पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रोडक्टिव सेक्टर को मिल जाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, मतलब एक तरह का ब्रोकर है फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक, ठीक है, हुज एम फंक्शन इट कलेक्ट सेविंग फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, तक इनका मेन उद्देश्य होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर से जो सेविंग है पैसा, वो पैसा कलेक्ट करना, और वही पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर को कर्ज के प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसको देना, ठीक है, कर्ज के तौर पर। अब देखो उसका नाम लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नॉन एज बोरोइंग रेट। आपको बताया था ना कि जब डिपॉजिट करते हैं
ठीक है, कमर्शियल बैंक को हम पैसा देते हैं, मतलब जो देते हैं पैसा, जैसे यहाँ पे बताया था आपको कि सरप्लस सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है तो वो डिपॉजिट करते हैं, उसको बोरोइंग रेट बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट नॉन एज बोरोइंग रेट, द रेट ऑफ, उसके देखिए द रेट एट विच बैंक लेंड आउट देयर रिजर्व टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड लैंडिंग रेट, लैंडिंग रेट पे लेगा, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी लिखे हैं, देखिए यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्टर नॉन एज स्प्रीड इज द प्रॉफिट अर्न बाई बैंक, मतलब कि जो बैंक के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको हम स्प्रीड बोलते हैं, मतलब लैंडिंग रेट में से ब्रोइंग रेट माइनस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, स्प्रीड निकल जाएगा। तो आई थिंक हम लोग ये समझ गए कि कमर्शियल बैंक होता है क्या, कमर्शियल बैंक का काम क्या है, काम क्या है ही नहीं पर है, कमर्शियल बैंक है क्या, मतलब मेन बेस हम लोग सीखेंगे कमर्शियल बैंक का काम क्या है, कमर्शियल बैंक होता है क्या है वो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग ये चेक जानेंगे कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक का क्या काम करना, करने का तरीका, और हम ज़्यादा सीखेंगे उस पर, ठीक है। बहुत सारे नए नए आए फंक्शन तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कमर्शियल बैंक होता है क्या, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।